कोरोना से एक दिन में मजीद 69 अफराद जान की बाजी हार गए। 3,909 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में मजीद 69 अफराद जा बहक होने से मुल्क भर में अमवात की मजमुई तादाद 25,604 तक जा पहुँची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 62,918 टेस्ट किए गए। एक दिन में कोरोना के 3,909 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC हुकाम का कहना है कि कोरोना केसेस की मजमुई तादाद 11,52,481 तक पहुंच गई है। सिंध में 4,29,422, पंजाब में 3,89,688, खैबर पख्तूनख्वा में 1,60,759, इस्लामाबाद में 98,739, गिलगित बल्तिस्तान में 9,855, बलोचिस्तान में 32,157, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 31,861 हो गई है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि 10,33,373 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। 517 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 6,173 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में तिबी सहूलतों पर बढ़ते दबाव के बायस कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया गया है और उनके इत्तलाक का दायरा कार 13 शहरों से बढ़ाकर 27 शहरों तक कर दिया गया है। कोरोना SOPs के मुताबिक लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रहेंगी। दिनों का तायुन सूबों की सवाबदीद पर रहेगा, जबकि रेस्टोरेंट्स में इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। SOPs के तहत रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। 300 मेहमानों के साथ आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। NCOC का कहना है कि आउटडोर शादियों की तकरीबात के औकात रात 10 बजे तक बरकरार हैं। मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, रिग्बी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा वाटर पोलो, कबड्डी और रेसलिंग पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर जिम जा सकेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने तिजारती सरगर्मियों पर कोई असर नहीं डाला और वो बिला रुकावट जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इश्तराक से कायम पाकिस्तान फुटवेयर डिज़ाइन हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रजाक दाऊद का कहना था कि हम अफगानिस्तान के हालात से वाकिफ़ हैं। अगरचा मसाइल हैं, लेकिन पाक अफगान तिजारत में कोई कमी नहीं हुई और ट्रक्स तौरखम और दीगर ज़मीनी सरहदों के ज़रिए वहां जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि भारत के साथ तिजारत नहीं हो रही। इस वक्त हमें अपनी मगरबी सरहदों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम मशरकी सरहद बाद में देखेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि GSP+ का दर्जा पाकिस्तान को 2 साल के लिए दिया गया था और अब उसमें मजीद 2 साल की तौसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुशीर तिजारत ने दावा किया कि हुकूमत की अच्छी तश्कील दी गई पॉलिसियों ने पाकिस्तान को मोबाइल फोन्स का बरामद कुनंदा बना दिया है। साथ ही उनका कहना था कि रवां बरस जुलाई में पाकिस्तान ने पहली मरतबा 5 से 10 हज़ार मोबाइल फोन्स मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किए। हमने हर चीज़ बरामद करने के पुराने कल्चर को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जहां अशिया ज़रूरिया और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा देखने में आया। अशिया के अलावा दुनिया भर में मालबरदार कंटेनर्स, शिपिंग वगैरह की कीमतें पहली मरतबा बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। IMF की जानिब से 3 अरब डॉलर मिलने और 2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र के बावजूद मुल्क में डॉलर महंगा होने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर डॉलर 160 से 165 रुपये या इससे कम रहे तो मुल्क के लिए मसला नहीं है।
हुकूमत की जानिब से नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से किए गए केमिकल स्प्रे से कई डॉक्टर और मेडिकल के तलबा बेहोश हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में यंग डॉक्टर्स और मेडिकल यूनिवर्सिटियों के तलबा ने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के खिलाफ बरकत मार्केट में इम्तिहानी मरकज के बाहर एहतजाज किया और कलमा चौक से बरकत मार्केट तक सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज के दौरान डॉक्टर और मेडिकल तलबा ने इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान धक्कम पेल हुई। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों वाला केमिकल स्प्रे किया, जिससे कई डॉक्टर और तलबा बेहोश हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ा मुजाहरीन ने अपना एहतजाज ख़त्म करते हुए कहा कि हमसे हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, 24 घंटों में मुतालबात पूरे नहीं होते तो इस्लामाबाद PMC के बाहर धरना देंगे। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब और वजारत सेहत ने यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और हुकाम ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया है। वाज़ह रहे कि डॉक्टर्स और तलबा ने दो रोज़ कबल भी बरकत मार्केट में इम्तिहानी मरकज़ के बाहर एहतजाज किया था। उनका कहना था कि हुकूमत नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन टेस्ट को ख़त्म करे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक 30 सितंबर के बाद तालीमी इदारों से वाबस्ता ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन ना कराने वालों पर सफ़र के लिए पाबंदी होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है कि सिंध में 15 सितंबर के बाद मुलाजमीन को लाने ले जाने वाली गाड़ियों में बग़ैर वैक्सीन सफ़र नहीं किया जा सकेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का ये भी कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर शहरियों के बग़ैर कोरोना वैक्सीन लगवाए सफ़र करने पर भी पाबंदी होगी। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एमरजेंसी के तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। MD वासा राजा शौकत के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश कम होने से नाला लई की सतह 10 फुट से ज़्यादा बुलंद नहीं हुई। इस्लामाबाद के मुकाबले में रावलपिंडी में बारिश ज़्यादा हुई और महकमा मौसमियात के मुताबिक 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, ताहम वासा की टीमें नशेबी मुकामात से पानी निकाल रही हैं। शदीद बारिश के बायस GT रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। रवात के मकाम पर गाड़ियां पानी में फंसी हैं और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाले मुसाफरों को शदीद परेशानी का सामना है। कैंट के सैवरेज नालों से दुगयानी नशेबी रिहायशी आबादियों को अपनी लपेट में लिए रखा है और क्रिश्चियन कॉलोनी मुकम्मल तौर पर डूब गई है। दूसरी जानिब शुमाली इलाकों में शदीद बारिश के बाद तरबेला डैम भरने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अरसा ज़राए का कहना है कि डैम भरने में पानी की सतह 4 फीट रह गई और डैम में पानी की आमद 1,91,000 क्यूसिक और अखराज 1,56,000 क्यूसिक है। डैम में पानी का जख़ीरा 56,00,000 एकड़ फीट है और अगर सूरत हाल यही रही तो आइंदा 5 दिनों में तरबेला डैम भर जाएगा। अरसा का कहना है कि दरियाओं में पानी का मजमू बहाव 2,94,000 क्यूसिक हो गया है और डैमों में पानी का जख़ीरा 1 करोड़ एकड़ फीट है। बारिशों के बायस मुल्क का दूसरा बड़ा मंगला डैम ना भर सका। मंगला डैम में पानी की सतह 1,199 फीट है और डैम भरने में पानी की सतह 43 फीट रह गई। दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 22,000 क्यूसिक, जबकि दरियाए चना में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसिक है।